बारिश के चलते 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत। मैनपुरी जिले के बरनाहल ब्लॉक के सलू नगर में बारिश के चलते 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि बरनाहल के अंतर्गत ग्राम सलूक नगर निवासी विशेष कुमार नित्य की भांति सुबह उठकर गृह कार्य में व्यस्त थे। बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक घर के बाहर बने पिलर धसक गए और मकान का आधा हिस्सा भरभराकर बैठ गया, जिसमें 18 वर्षीय चंदना व कीर्ति और बाकी परिवार वाले मलबे में दब गए। जब तक गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तब तक वंदना और कीर्ति की मौत हो चुकी थी। उनका पुत्र राहुल भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उनकी मां को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल सैफई हॉस्पिटल के लिए भिजवाया गया है, लेकिन घर के सारे घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। कैसे गिर गया, क्या कारण है जिसकी वजह से मकान गिरा है? अरे भैया किधर से पानी लेने कर रहा हूँ तो हॉस्पिटल हम पानी भर रहा हूँ बहुत। तो अधिकारियों से आपने शिकायत वगैरह अभी तक क्यों नहीं की इस मामले की? अरे भैया यहाँ तो मैं मंदिर पूजा कर रहे थे जैसे एकदम आवाज हुई तो मैं तो ये समझे ट्रांसफार्मर भरा और ट्रांसफार्मर हमने नहीं तो दुकान के लोग भाग के आए कि बाबा जी कि मकान गिर पड़ा। मैं पूजा करके छोड़ के भाग आए, देखा आईने आके तो 4 पशु खत्म हो चुके, 2 लड़की खत्म हो गई। अच्छा घायल इसमें कितने लोग हैं? घायल अभी 2-3 लोग घायल हैं, 4 लोग घायल हैं। कितने मंजिल इमारत थी? 2 मंजिल। राजेंद्र सिंह यादव। मैम बताइए कैसे क्या घटना हुई है? ये दीवार जो है ना सीधी गिरी, उसके साथ लेंटर गिरा हुआ है, उसमें 2 बच्चियाँ ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई हैं, 3 लोग घायल हैं। बच्चियों को जिला अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। बहुत बढ़िया है। तो 4 जानवर हैं जो वहीं मौत हो गई, तब और 3 परिवारजन घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज। अच्छा मौके पर राहत कार्य के लिए क्या क्या? 5 जेसीबी काम कर रही हैं, मलबा हटाया जा रहा है, बाकी सरकारी सारे कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुँच गए, CO और SDM थाना अध्यक्ष सभी अधिकारी। ये जो है हमारे करहल तहसील मैनपुरी ज़िले करहल तहसील में एक हमारा ब्लॉक पड़ता बरनाहल, उस बरनाहल ब्लॉक में सलूक नगर एक लगा हुआ करीब 1.5 किलोमीटर, इसमें एक घटना आज सुबह करीब 6:45 की हो गई। एक मकान जो है जो रतन कुमार का मकान है और विशेष जिनका नाम है, वो मकान एकाएक आगे वाला पार्ट इनका गिर गया, जिसमें इनकी एक लड़की थी मोहिनी, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। दूसरी लड़की इनकी थी वंदना जो 18 साल की थी, वो गंभीर हालत में सफाई गई वहाँ एक्सपायर हो गई। इनकी पत्नी नीलम है, उनके सर में चोट लगी है गंभीर रूप से, वो सफाई में उनका इलाज चल रहा है। राहुल कुमार बेटा है, उसके पैर में चोट लगी, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 पड़िया और 1 दुधारू गाय ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। मकान का आगे का पार्ट ही पूरा गिर गया है, ऊपर भी बना हुआ था, बाकी शेष मकान इनका यथावत है। राहत कार्य क्या जा रही है सर? यहाँ राहत कार्य रेस्क्यू करके दोनों पड़िया और गाय को निकाल लिया गया है JCB की 6-7 मशीनों से, और ये जो बिटिया है दोनों एक्सपायर हो गई हैं, ये इनको 4-4 लाख रुपये अनुमान्य है, वो तत्काल हम देंगे 24 घंटे के अंदर। प्लस जो जानवर हैं दुधारू पशु है उसके लिए 30,000 रुपये है, और जो पड़िया हैं उनकी भी एज के अनुसार होगा। डॉक्टर जो पशु चिकित्सा अधिकारी इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद तत्काल उनको भी क्या। ये सर 7:30-7:45 के बीच लगभग इनका मकान गिरा विशेष का, तो इनकी 2 बच्चियाँ ख़त्म हो गई हैं, 2 जानवर ख़त्म हो गए उस पर, और गाय वो भी भड़ासन हालत में है, और इनकी पत्नी भी सीरियस है, वो एडमिट है। कितने मंजिल मकान था? ये डबल स्टोरी था। घायल लोग इसमें कितने हैं? उनकी पत्नी और लड़का। पानी भरा था हॉस्पिटल में, दीवार चटक के फट गई। फिर क्या घटना हुई पूरी? बैठ गया। कितने लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं, कितने घायल हैं, क्या है? 2 बच्चियां तो बिल्कुल। घायल कितने हैं? पत्नी घायल है, लड़का घायल।
पानी किस वजह से इसमें पानी भरा है, किस वजह से पानी भरना आप मानते हैं? हॉस्पिटल में कदर से रास्ता भी नहीं था पानी निकलने का। अच्छा, किसी अधिकारी से या किसी प्रशासनिक कर्मचारी से आपने शिकायत वगैरह अभी तक इस मामले की है? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।